पावर ड्रॉप भी लग रही है मुझे, कुछ मिसिंग भी हो रही है, तो मुझे देखो तारे वगैरह कैसी खुली पड़ी है, ठीक है ना, मिसिंग सी मार रही है, वो तो कह रहे ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से है। अब बड़ा प्लान है तो भाई वो तो आपको आगे बता देगा कौन सा बड़ा प्लान है। पहाड़ों पे देखना चाहता हूँ कि मैदानी इलाके में देख रहा तो वो टूरिंग ही होने वाली है। जरा उठा जा अभी आपने देखा मुझे एक नया प्रोडक्ट रिसीव हुआ। एक्चुअली बताऊँ क्या है कि मैं अपनी टूरिंग के लिए मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ बड़ा, उसके लिए मैंने बहुत कुछ ऑनलाइन परचेज करने के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से मुझे एक चीज़ मुझे आज मिल गई है जो मेरे GoPro के लिए है। उसके अलावा मैंने बहुत कुछ प्लान किया है अभी, जो आपको धीरे धीरे आगे आगे आने वाले व्लॉग में पक्का पता लग जाएगा। और अगर मैं आपको दिखाऊँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया, मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। कुछ 3-4 चीज़ें हैं क्योंकि मैंने कुछ प्लान किया जो आपको आने वाले टाइम में बहुत जल्द मिलने वाला है मेरे आने वाले व्लॉग्स में। तो बने रहना मेरे साथ और प्यार करते रहना और अपना सपोर्ट बनाते रहना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कर दे करो यार, क्योंकि मेरी वीडियो का रीच बढ़ाने के लिए आपका कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आओ कमेंट करो और मुझे सपोर्ट करो। दिखाता हूँ आपको कि मैंने भी क्या क्या ऑर्डर किया है, एक जिसमें से मुझे एक चीज़ मुझे मिल गई है लाइक दिस। मैंने भी एक बैग परचेज़ किया, अभी आपको दिख रहा होगा इसमें कि एक बैग है इसमें जो मेरा ट्रैवलिंग बैग है। और उसके साथ मैंने एक माउंट्स अपनी GoPro आर्म्स होते हैं जैसे बोलते हैं कि थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए कि आपको एंगल थोड़ा अच्छा आएगा, उसके लिए परचेज़ किया था। कुछ बंजी रोप्स हैं और साथ में मैंने एक ग्रिल ऑर्डर कर, तो बैग मेरा अच्छे से लग जाएगा। तो ये वाला वो है कि मतलब कि मेरा बैग पीछे एकदम से अटैच हो जाएगा। पीछे लाइट जल्दी थी ना, मैंने कहा बंद कर देता हूँ यार, लेकिन वो एकदम से पड़ती है फेस के ऊपर और अच्छा नहीं लगता। तो गाइस ये मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी और धीरे धीरे आती रहेंगी, फिर आपको दिखती रहेंगी। तो धीरे धीरे हम इंस्टॉल कर लेंगे और आने वाले टाइम में कुछ अच्छा सा प्लान बनने वाला, तो आपको एक बढ़िया सा प्रोग्राम दिखने वाला है, कुछ अच्छे से व्लॉग देंगे, कुछ एडवेंचर होगा और कुछ नया नया एक्सप्लोर करेंगे। एक बात कुछ ऐसी है कि आपको पता है कि मेरी बाइक अभी तो कुछ टाइम पहले आई थी मेरे पास इंश्योरेंस क्लेम के बाद, तो मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी कि मेरी बाइक में कुछ ये ठीक नहीं है, कि आई थिंक वो होनी चाहिए ठीक, कुछ तारे ओपन है। तो आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो आज में भी मैं एजेंसी में जाऊं और एजेंसी के साथ साथ कुछ काम भी करवाना है, काफ़ी पावर ड्रॉप भी लग रही है मुझे कुछ। मैंने आपको पिछले व्लॉग में पता होगा कि मैं अभी जब बोल रहा था पावर ड्रॉप आई थिंक कुछ हो रही है और कहीं मिसिंग भी हो रही है, तो मुझे आज वो जाके चेक करवाना है क्योंकि मैं प्लान करने वाला हूँ कुछ बड़ा। तो इन सब चीज़ों को मुझे ढंग से ठीक करवाना पड़ेगा और उससे पहले बहुत कुछ होने वाला है। तो आपको पता लगता रहेगा कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करवा रहा हूँ एक टूरिंग के लिए। तो बने रहना मेरे साथ, लेट्स गो। गाइस निकल बड़े हाहा। एक्चुअली बताऊँ क्या हुआ यार, अभी आपको दिखाता हूँ मैं रुक के। जैसे कि मैंने बताया था ना अभी आपको कि एक तो ये देख लो यार, ये देखो तारे वगैरह कैसी खुली पड़ी हैं, है ना, और एक ये देखो सब कुछ कवर वगैरह ओपन पड़ा है वाला, सारा कवर ओपन पड़ा है और उनका ना एकदम। मुझे लग रहा है कि ये ना इंश्योरेंस जब मैंने क्लेम लिया ना उस वक्त कुछ रह गया, तो मैंने उस टाइम पे गौर नहीं किया। एक्चुअली मैं कल को आया जब घर पे और कल मैंने देखा इस पर लाइट्स पड़ी, वो सारी तार मुझे ऊपर नज़र आई, मैंने कहा ये तो गड़बड़ है। जैसे मैंने तार की तरफ देखा, मैंने साइड में देखा, भाई ये भी ओपन पड़ा, ये तो गड़बड़ हो गई। और एक्चुअली बताऊँ क्या, मेरी बाइक मिसिंग भी बहुत मारने लगी है। अब जब स्टार्ट करता हूँ ना बाइक एकदम से मिस होती है, अब वो देखना पड़ेगा जाके। अब मैंने बुला तो दिया, बोल तो दिया उन्हें कि मैं आ रहा हूँ, मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ बड़ा यार। अभी मैं छोटी छोटी चीज़ों को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता यार, अब छोटी छोटी चीज़ें तो भाई इनको ठीक करवाना पड़ेगा। छोटी चीज़ बड़ी का वो रहेगी पता नहीं लगेगा। अभी वायर ओपन पड़ गया, अब कहीं से कट जाए भाई दिक्कत हो जाएगी ना मुझे तो। अब बड़ा प्लान है तो भाई वो तो आपको आगे पता लगेगा कौन सा बड़ा प्लान है कौन सा। अभी धीरे धीरे करके पता लगता रहेगा आपको अपनी बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा रहा हूँ मैं, मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग अभी हम कहाँ जाने वाले हैं वो भी आगे पता लग जाएगा आपको। तो बने रहो भाई, कमेंट और शेयर करते करो यार अपने भाई को, सपोर्ट करो, सपोर्ट। क्या करना भाई, हमारी गड्डी और सड़कों के गड्ढे दोनों नोटिस में आते हैं। देखो गड्ढे तो हर जगह भी हो ही रखे हैं, वही तो भाई। और हमारी गड्डी नोटिस में आती है भाई हमेशा। ओ यार मेरी ऑफ रोडिंग तो भाई अम्बाला में हो जाती है। आला लाला आला लाला, थोड़ी सी जगह दे देना भैया। आला लाला
यार जब जब मेरा कैमरा ऑफ होता है ना इतने तगड़े रिएक्शन मिलते हैं यार। अब जैसे ही मेरा कैमरा ऑन हो जाता है भाई साहब सबको बता दी क्या होता है, सांप भी सूंघ जाता है। अंकल जी तेरा उठा जा भैया कहाँ खड़ा ही है आपने भाई। यहाँ क्या सर था चंडीगढ़ में आ गया मैं, कैंट भी थोड़ा ना ऐसे हरियाली वाला बना हुआ है बिल्कुल एकदम हरियाली वाला। तो फिर अपने को यहाँ चंडीगढ़ वाली फीलिंग आ जाती है। वो देखो यार कितनी खतरनाक बाइक खड़ी है। गाय हमारी माता है बस इसके आगे हमें नहीं आता है। पहुँच गए तारे तारी को खोलनी पड़ी यार, सारी खुली पड़ी है। एक ना मिसिंग सी मार रही है, वो तो कह रहे ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से है, स्टार्टिंग के फर्स्ट गियर में मार रही है। तो भाई बाइक तो ठीक नहीं हुई एक्चुअली, बताऊँ क्या है इशू है सेंसर का। कह रहे हैं कि सेंसर की वजह से TCS वगैरह प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे जिसकी वजह से इशू आ रहा है, मिसिंग मार रही है। और एक तो यार तारे वगैरह मैंने पैक करवा ली, पैक ही करवानी थी ना तो तारे पैक करवा ली, और हमने एक और काम करवा लिया चेन को लूब और क्लीन करवा लिया, ज़रूरी था, चेन बहुत गंदी हो रखी थी। बाइक में ना कड़कड़कड़ की आवाज़ें आ रही थी, अब कड़कड़कड़ की आवाज़ें नहीं आ रही है एक्चुअली, चेन लूब हो गया, ख़तरनाक हो गया अब सीन। इतनी स्लो चला रहा हूँ ना मैं, इतनी स्लो चला रहा हूँ, देखो जीरो पे है चलाइए इतनी स्लो तो भी जीरो पे। अरे मेरा सेंसर खराब है यार बाइक का, पानी हो गया पानी, देखो वाटर क्रॉसिंग देखा भाई, हम बाला में लद्दाख का एक्सपीरियंस वाटर क्रॉसिंग भी मिल गई, ऑफ रोडिंग तो मिलती है पता है आपको, आज हमने करा ली ना फिर वाटर क्रॉसिंग। अरे भाई मेरी बाइक के टायर जा रहे हैं, अरे मैंने तो मंगवाए नहीं भाई, चलो कोई नहीं मेरे घर पहुँचा देना भाई, अपोलो के टायर हैं, कोई नहीं भाई लगा लूँगा मैं किसी ना किसी राइड पे पहुँचा दो तुम, ठीक है भाई लगा देना। ग्रैंड विटारा भाई गाड़ी बड़ी अच्छी है, अरे नई लॉन्च करी है अभी नेक्सा वालों ने मेरे ख्याल से ना, सीधा आँखों में सूर पड़ रहा है एकदम भाई साहब, एकदम आँखों में पड़ रहा है, मुझे किसी की छाँव में ले जाओ भगवान। अब ठीक है साइड में पड़ रहा है, ये भी ग्रैंड विटारा हाइब्रिड है, दो कलर देख लिया ग्रैंड विटारा के, खतरनाक मजा आया भाई। फोर्ड एंडेवर आई कांट अफोर्ड, ओके 7065 अपना 7054 है ना, रिलेटेबल सा लगा मुझे, लद्दाख का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अरे 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 भागो 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 भागो, अरे 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 की कर रहे हो, छोटी छोटी गलियां गलियों में घर, गली के पास नाला। गाइस तो हो गया भाई अपनी बाइक का काम, एक्चुअली कुछ काम नहीं था, लाइक कुछ पार्ट्स ढीले थे उसको टाइट करवाना था, और साथ ही मैंने चेन का लूप भी करवा लिया लगे हाथ, बहुत आवाज़ आ रही थी बाइक में से, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा लगे हाथ चेन का लूप करा लेते हैं। सेंसर में इशू है, वो सेंसर अब तक नहीं आया, वेट कर रहा हूँ, आई डोंट नो पता नहीं कितना टाइम लगाते हैं यार यामा वाले, अब तक 10-15 दिन हो गए हैं बाइक को आए हुए लेकिन सेंसर अब तक नहीं आया। तो जैसे कि भाई अब प्लान बनने वाला खतरनाक वाला, आपको पता ही है सामान आ रहा है डे बाय डे, आज भी कुछ आया है, 4-5 दिन बाद फिर से कुछ आएगा, आता रहेगा अब 3-4 दिन ना, मतलब कि लगातार लगा रहेगा, क्योंकि मैंने टूरिंग के हिसाब से कुछ मंगवाया और टूरिंग ही होने वाली है। तो कमेंट करके बताओ भाई आप देखना कहाँ चाहते हो, लाइक पहाड़ों पर देखना चाहते हो कि मैदानी इलाके में देखना चाहते हो, पॉपुलर वाली ट्रैवल आने वाला है, तो बने रहो लगे रहो मेरे साथ। और ये देखो साथ ही मेरी वाइफ भी आ गई है, अब ये पता नहीं क्या कुछ करेगी, ऐसे ही अब ब्लॉग बनते रहेंगे खतरनाक वाले। तो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो सब्सक्राइब कर दो भाई, अगर नए बंदे हो यहाँ तक पहुँच गए हो तो भाई आज तुम्हारा रजत साइनिंग ऑफ करता है भाई इस डिजिटल डायरी से, तो मिलते हैं एक न्यू डिजिटल डायरी पे, लेट्स गो मैन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय गाइस, बाय बाय। आला लाला आला लाला थोड़ी सी जगह दे देना भैया।